रेल में दुनिया को हम स्वर्ग बनाए खेल खेल में खेल खेल में। पहला वादा बूंद बूंद कर तेल बचाए तेल बचाए। जल है जीवन आओ सबको ये समझाए ये समझाए। दूजा वादा पेड़ों पर फूल खिलाए शुद्ध हवा से दुनिया को महकाए। एनर्जी देती हमको जीवन जीवन नहीं गवाना है। खोल कर हर पिंजरे को हमें हर पक्षी को उड़ाना। एक थंकल एक कसम आज हम उठाते हैं मातृभूमि की रक्षा में संरक्षण का दीप जलाते हैं संरक्षण का दीप जलाते हैं। आँखों में है ख्वाब अनेकों इन बच्चों की रेल में दुनिया को हम स्वर्ग बनाए खेल खेल में खेल खेल में बदलो दुनिया। नमस्कार, मैं हूँ विशाल और मैं हूँ अनु और हम स्वागत करते हैं आपका आपके अपने मजेदार और ज्ञानवर्धक कार्यक्रम में जिसका नाम है खेल खेल में बदलो दुनिया। खेल खेल में बदलो दुनिया। विशाल, कितनी अजीब बात है ना कि एक समय था जब हमारे बड़े कहा करते थे कि जिंदगी कोई खेल नहीं है जिसे जब जैसे चाह जी लिया। बिल्कुल भाई, अब वो दिन लद गए। आजकल इस खेल शब्द का कंसेप्ट ही बदल गया है। अब तो हम ये भी कहते हैं कि खेल खेल में दुनिया बदली जा सकती है। जी बस हाँ। आप ज्वाइन कर लीजिए। और सोच के देखिए, अगर खेल खेल में दुनिया बदल जाए और एक छोटी सी बात से बहुत कुछ सीखने को मिल जाए तो फिर और क्या चाहिए भाई। बड़ा खूब कहा। तो आइए देखते हैं छोटी सी बात। हम अपने अधिकारों की बात करते हैं, पर मैं कहती हूं कि अगर हम अपने कर्तव्य पूरे करते जाएं तो हमें अधिकार खुद ब खुद मिलते जाएंगे। जैसे हम 24 घंटे बिजली चाहते हैं तो बिजली को बचाएं, साफ पानी चाहते हैं तो नदियों को गंदा ना करें, और अपने देश को स्वच्छ देखना चाहते हैं तो गंदगी ना फैलाएं, और साथ ही पानी की समस्या को ख़त्म करना चाहते हैं तो पानी बर्बाद ना करें। हम अपने कर्तव्य इस तरह निभाएं जिससे अधिकारों को पाने के लिए हमें संघर्ष ना करना पड़े। बात तो बिल्कुल दुरुस्त है। जब आप अपने कर्तव्य को ठीक तरह से निभाते हैं, उनका निर्वाह करते हैं, तभी आप अधिकारों के हकदार बनते हैं। इसी नोट पर चलिए शुरू करते हैं हमारा कार्यक्रम। आपको परिचित कराते हैं हमारी आज की टीम से। सबसे पहले टीम शक्ति, द बॉयज इन यूनिफॉर्म फ्रॉम राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज देहरादून। हमारी आज की दूसरी टीम है टीम रक्षक, जॉय है क्रेसेंट मैट्रिकुलेशन हायर सेकेंडरी स्कूल चेन्नई से। और पिक्चर परफेक्ट कैलकुलेशंस के लिए हमारी प्यारी नन्ही मुनी स्कोरर बूंद। वेलकम वेलकम। इसके साथ ही साथ स्वागत है स्टूडियो में मौजूद हमारी बेहतरीन ऑडियंस का। सो लेट द गेम बिगिन। शुरू करते हैं हमारा पहला राउंड जिसका नाम है कुछ कर दिखाना है। कुछ कर दिखाना है, जी हाँ, हमारा ये है पहला राउंड जो एक परफॉर्मेंस पर बेस्ड होगा। इस राउंड में आप दोनों टीम्स एक एक कर यहाँ आएंगी और हमें कुछ ना कुछ अपनी परफॉर्मेंस के जरिए मैसेज देकर जाएंगी। सबसे पहले टीम शक्ति। अभी रोकते हैं। ओ जी। गाड़ी नंबर 1048 1048। नाम क्या है तुम्हारा? जी मेरा की गड्डी का, मैं तो संता सिंह, मेरी गड्डी राम दुलारी। मेहता जी ये बंता सिंह है, जरा इनको भी देखिए। ओ जी डॉक्टर है जो मैं देखेंगे। मेहता जी क्या आपने बताया नहीं कि हम PCRA यानी पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन के अधिकारी है। ओ भतिया, एक बात बता, हमसे कोई गलती हो गई क्या? असल में पी नाम से शुरू होने वाले महकमे से ही काफी डर लग रहा है। गलती तो आपसे हुई है संता जी, ये आपकी गाड़ी से निकलता काला धुआं साफ बता रहा है कि आपके इंजन में कुछ खराबी है। ओ संता पाई, मुझे तो लगता है तो अपने इंजन के फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम का डेली चेकअप नहीं करवाता होगा, और या फिर ये भी हो सकता है कि तेरे इंजन का कंप्रेशन ठीक ना हो, और या फिर गड्डी के इंजन के ट्यूनिंग ही ठीक ना हो। ओ बतिया, एक बात बता, ये अफसर तो ठहरे गड्डी के डॉक्टर सी, और तूने ये डॉक्टरी कहां से सीखी? शर्मा साहब, लगता अपने प्राधी को भी आपके ट्रेनिंग की जरूरत है। ओ ट्रेनिंग, वो किस बात की? भाई जी हमारा ऑर्गेनाइजेशन बड़ी ट्रांसपोर्ट कंपनियों के ड्राइवरों के समूहों और असंगठित ड्राइवरों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाते हैं। प्रशिक्षण कार्यक्रम? वाह भाई, वहाँ हम ड्राइवरों को ईंधन के संरक्षण और उसके प्रचार प्रसार के साथ सही ढंग से वाहन चलाना भी सिखाते हैं।
ओए और तो और वहाँ पे अच्छी आदतों वाले ड्राइवरों का ग्रुप बनाना भी इनका मेन एम है। और तो तुम क्या कहना चाहते हो, हमारी क्या खराब आदत है? अरे गंदी आदती है आप लोगों में, जैसे कि बिना क्लच दबाए या फिर सिर्फ एक बार क्लच दबा कर गियर बदलना, भीड़ भाड़ वाले इलाके में ऊंचे गियर में गाड़ी चलाना, गाड़ी तेज चलाना, गियर में ही इंजन बंद करना, इंजन को बेकार ही चालू रखना, या फिर ऊंचे गियर में डालने के बाद गियर देर से देना। ओ वाह गुरु, इतनी सारी गलतियां। अरे अभी लिस्ट खत्म हुई कहां है? मोड़ों पर तेज और बहुत स्पीड से मोड़ना, देर से गियर बदलना, ढलान पर गाड़ी नियंत्रण के लिए एक्सीलेटर और क्लच का प्रयोग करना। ओ बस करो जी, इतनी गलतियों पर तो मैं कभी ध्यान ही नहीं देता था। ओ प्राजी, मैंने तो देखा है एक आम ड्राइवर 1000 किलोमीटर जाने से 280 लीटर डीजल खर्च करता है, जबकि साढ़े जिन्हें सिक्ख्या अश्यास तक ड्राइवर वही सफर कोई 250 लीटर डीजल में तय कर देता है। यानी कि बच्चा पूरे 30 लीटर डीजल की बचत, तब तो 80 भी प्रशिक्षण लेंगे ही लेंगे। आप भी पीसीआरए द्वारा परखे गए बेहतर ड्राइविंग तथा अच्छे रख रखाव के तरीके अपनाइए और कम फ्यूल में ही अधिक दूरी तय कर पैसे बचाइए। अब देखते हैं टीम रक्षक आपके सामने क्या प्रस्तुत करती है। टीम रक्षक, उफ, इतनी सारी सब्जियां भला एक साथ लाने की क्या जरूरत थी? जब इन्हें मालूम है कि घर में फ्रिज खराब है, फिर भी अब इन्हें कैसे संभालू, सब सड़ गल जाएगी। क्यों सड़ गल जाएगी भाई, सब्जी वाले के पास भी तो इतने ढेर बची सब्जियां बचती है, वो उन्हें बारी बारी से उलट पुलट कर सड़ने से बचाते हैं या फिर गीले टाट में लपेट कर रखते हैं। अब इतना व्यायाम तो तुम भी कर सकती हो। सारे काम मैं ही करूं, तुम बस बैठे बैठे ये पेपर पढ़ो। क्या हुआ सपना दीदी, आज घर में किसकी शामत आई है? गीता, शामत तो मेरी ही आई है। देखो घर में फ्रिज खराब है और ये है कि मंडी से इतनी सारी सब्जियां ले आए, कहते हैं सस्ती मिल रही थी। तुम्हारा फ्रिज कब से खराब है दीदी? ये कोई 15 दिनों से, दरअसल अब उसके ठीक होने की उम्मीद कम है। तो नया खरीद लो। नया खरीद लो? अरे भाई कुछ टाइम तो लगेगा नया फ्रिज खरीदने में। तभी तो इतनी सारी सब्जियां देखकर सिर पीट रही हूँ। इसमें परेशान होने की क्या बात है दीदी, सुनो तुम भी अपने घर में एक ऐसा फ्रिज बना सकते हो जिसमें बिजली का भी झंझट नहीं। क्या कहते हो सुरेश भैया, भला बिना बिजली के वो फ्रिज चलेगा कैसे? पानी से। धत, मजाक छोड़ गीता। ये मजाक नहीं दीदी, सचमुच की बात है, बल्कि ऐसा फ्रिज हमने अपने घर में बना रखा है जिसमें हफ्ता 10 दिन तक सब्जियां बिल्कुल ताजी रहती है। ऐसा तरीका मैंने पेपर में पढ़कर अपनाया था। और खास बात ये है कि इस दौरान घर में बिजली हो या नहीं, फ्रिज के संचालन में कोई खास फर्क नहीं पड़ता, बस इसका पानी 2 या 3 बार बदलना पड़ता है। अरे सुरेश भाई, ऐसा फ्रिज बनता कैसे है? विनय भाई साहब, मैंने लिया एक प्लास्टिक का बड़ा गोल डिब्बा, उसके भीतर कूलर में इस्तेमाल की जाने वाली खस की घास तह में बिछा दी और उसके अंदर रखा एक और स्टील का डिब्बा। अरे वाह, डिब्बे के अंदर एक और डिब्बा। हाँ भाई साहब, और इसी डिब्बे में रखते हैं सब्जी और फल जो बिल्कुल ताजे रहते हैं, और उसके बदले हुए पानी को घर में लगे पौधों की सिंचाई में इस्तेमाल करके पानी की बचत कर लेते हैं। अरे वाह, जब ऐसे फ्रिज में इतने गुण हैं, तो उसे मैं अभी घर में बनाती हूँ। ये रहा प्लास्टिक का डिब्बा, खस की घास, ये गया स्टील का डिब्बा। इसका मतलब ये तो वही बात हुई, हिंग लगे ना फिट करी रंग भी चौका। यही तो सब जान ले, प्रकृति बन सकती है सबका सहारा। घर बन जाए हम प्रकृति का सहारा। टीम शक्ति और टीम रक्षक दोनों ने अपनी परफॉर्मेंस दे दी। अब बढ़ते हैं हमारी ऑडियंस की तरफ, बताएं टीम शक्ति को आप क्या स्कोर्स देंगे? और अब ये बताएं कि आप इन लड़कियों को टीम रक्षक को क्या स्कोर देते हैं? तो चलिए चलते हैं बूंद के पास जानने के लिए कि हमारे पहले राउंड के स्कोर्स क्या हैं। बूंद, शक्ति टीम को मिलते हैं 580 पॉइंट्स और रक्षक टीम को मिलते हैं 570 पॉइंट्स। बूंद ने स्कोर्स दे दिए, मुकाबला काफी इंटरेस्टिंग शुरू हुआ है और आज ये मुकाबला और भी मजेदार होगा क्योंकि आफ्टर ऑल इट्स बॉयज वर्सेस गर्ल्स एंड आई एम क्वाइट श्योर कि आज की बाजी तो लड़कियां ही मारेंगी। खुशफहमी मुगालता, खैर ये हमारे बीच में कंपटीशन शुरू हो जाए, उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं ब्रेक के बाद। खेल खेल में बदलो दुनिया। मैं इस खानदान को बर्बाद करके रख दूंगी। क्या कह रही हो बेटी? मैं रसोई गैस फिजूल खर्च करूंगी। अरे बहू, मैं दाल सब्जी मीट कभी प्रेशर कुकर में नहीं बनाऊंगी ताकि गैस ज्यादा इस्तेमाल। ये तुम नहीं कर सकती। जरा सी चीज गर्म करने के लिए बड़ा बर्नर इस्तेमाल करूंगी।
ताकि गैस का खर्च और बढ़े। इससे फैमिली का बजट तहस नहस हो जाएगा। कट, ये बेहूदा डायलॉग किसने लिखे हैं? मैंने सर, फिजूल गैस इस्तेमाल करने से कोई भी फैमिली बर्बाद हो सकती है। बचाओ जी। खेल खेल में बदलो दुनिया। वेलकम बैक। चलिए शुरू करते हैं हमारे आज के खेल का दूसरा पड़ाव। टीम्स, हम आपको बता दें कि हमारा ये राउंड एक बजर राउंड है। इस राउंड में हम आपको दिखाएंगे एक क्लिपिंग और उसी पर बेस्ड होंगे हमारे आज के सवाल। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा वो राउंड जिसमें हम बात करते हैं किसी इनोवेशन की और जिस राउंड का नाम है दुनिया बदलने की बात। बहुरंगी कपड़ों का संसार खूबसूरत धागों पर टिका है। ये धागे स्पिनिंग मिल में तैयार किए जाते हैं। धागों की कताई के दौरान स्पिनिंग मिल में वेस्ट प्रोडक्ट के रूप में फ्लफ निकलता है। ये फ्लफ धागे के गुणवत्ता के लिए अत्यंत हानिकारक होता है। मिल में फ्लफ को इकट्ठा करने का कार्य ओवरहेड क्लीनर अर्थात ओएचसी के द्वारा पूरा किया जाता है। स्पिनिंग मशीन एक लंबी कतार के रूप में होती है और हर कतार के ऊपर एक ओवरहेड क्लीनर लगा होता है। ये ओएचसी स्पिनिंग मशीन के एक सिरे से दूसरे सिरे तक धीरे धीरे घूमकर फ्लफ इकट्ठा करता रहता है। फ्लफ को इकट्ठा करने के बाद ओएचसी इस फ्लफ को मशीन के अंत में लगे वेस्ट कलेक्शन शूट तक पहुंचा देता है। दस से पंद्रह कतारों के अंत में लगे शूट्स को एक कलेक्शन पाइप से जोड़ दिया जाता है। इस पाइप के दूसरे छोर पर एक ब्लोअर लगा होता है। 7.5 हॉर्स पावर कैपेसिटी वाली एक मोटर द्वारा इस ब्लोअर को चलाया जाता है। ये ब्लोअर पाइप से फ्लफ को खींचकर वेस्ट कलेक्शन बैग में पहुंचा देता है। आमतौर पर ये ब्लोअर 2400 घंटे नॉनस्टॉप चलता रहता है। इसमें भारी ऊर्जा की खपत होती है। कोयंबटूर में स्थित द साउथ इंडिया टेक्सटाइल रिसर्च एसोसिएशन अर्थात सिट्रा के वैज्ञानिकों ने इस ऊर्जा की खपत को कम करने की दिशा में सराहनीय सफलता पाई है। अध्ययन के दौरान यह पाया गया कि ब्लोअर को नॉनस्टॉप चलाना आवश्यक नहीं है। कारण ये कि ओएचसी एक चक्र पूरा करने में लगभग 5 मिनट का समय लेता है, परंतु ब्लोअर की जरूरत मात्र उन 20 से 30 सेकंड्स के दौरान होती है जब ओएचसी से वेस्ट कलेक्शन शूट में फ्लफ को खींचा जाता है। ब्लोअर केवल आवश्यक समय के लिए ही चले, इसके लिए पीसीआरए के सहयोग से सिट्रा ने एक एनर ऑप्टिमाइजर विकसित किया है। इन दिस कंट्रोल सिस्टम वी हैव यूज्ड इंफ्रारेड रेज टू सेंस द पोजीशन ऑफ द ओवरहेड क्लीनर्स। वंस द ओवरहेड क्लीनर कम्स नियर टू द वेस्ट कलेक्शन चूट, द ब्लोअर विल स्टार्ट रनिंग। रिमेनिंग टाइम्स it will be switched off. Thereby, the energy saving to the tune of up to 50% is possible. इस सिस्टम के अंतर्गत स्पिनिंग मिल के ऊपरी क्रॉस सेक्शन पर एक फोटो सेंसिंग अटैचमेंट लगाया गया है। इसके एक सिरे पर एक ट्रांसमीटर लगा होता है जो लगातार इंफ्रारेड बीम ट्रांसमिट करता रहता है। ट्रांसमीटर से निकलने वाले इंफ्रारेड बीम को दूसरे सिरे पर लगे रिसीवर द्वारा रिसीव किया जाता है। रिसीवर और ट्रांसमीटर के बीच जब तक बीम की कंटिन्यूटी बनी रहती है तब तक ब्लोअर बंद रहता है। प्रत्येक ओएचसी के ऊपर एक मेटल स्ट्रिप लगा दिया गया है।
OHC को शूट तक पहुंचने के तुरंत पहले इंफ्रारेड बीम से होकर गुजरना पड़ता है। मेटेलिक स्ट्रिप के कारण ये बीम कट जाती है। एनर ऑप्टिमाइजर इसे रीड करता है और ब्लोअर को चला देता है। कुछ सेकंड्स बाद OHC एक नया चक्र आरंभ करने के लिए इंफ्रारेड बीम से आगे बढ़ जाता है। ट्रांसमीटर और रिसीवर के बीच लाइट फ्लो फिर बन जाता है। इसका सिग्नल एनर ऑप्टिमाइजर तक पहुंचता है, जो ब्लोअर को दोबारा बंद कर देता है। ब्लोअर अब तभी एक्टिवेट होता है जब किसी दूसरी मशीन का OHC शूट तक पहुंचकर इंफ्रारेड बीम को काट देता है। इस प्रकार ब्लोअर पहले जहां 24 घंटे नॉनस्टॉप चलता था, अब उतना ही कार्य ये मात्र 12 घंटे चलकर पूरा कर लेता है। इससे लगभग 50% बिजली की बचत हो जाती है। The investment cost of this attachment roughly around 20 to 30,000 rupees. And by means of the savings in the energy cost, the payback period works out to be around less than 1 to 1.5 years. It is very attractive and we have started commercializing this development. This project has been done under the sponsorship from PCRA Delhi. निश्चित ही एनर ऑप्टिमाइजर के प्रयोग से स्पिनिंग इंडस्ट्री में हो रही ऊर्जा की अनावश्यक खपत को रोका जा सकता है। Well, teams, आपने क्लिपिंग ध्यान से देख ली, इसी पर बेस्ड होंगे हमारे इस राउंड के सवाल। ये एक बजर राउंड है। एवरी करेक्ट आंसर गिव्स यू 100 पॉइंट्स, नो नेगेटिव मार्किंग। बट बिफोर द क्वेश्चन इज ओवर, इफ यू प्रेस द बजर, यू डिस्क्वालिफाइड फॉर दैट क्वेश्चन एंड द क्वेश्चन गोज टू द अदर टीम। ऑल सेट, लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1। All the best. Spinning mill में overhead cleaner क्या काम करता है? शक्ति। वो spinning mill से निकलने वाले fluff को जमा करता है। Right answer, 100 points. Waste product के रूप में fluff को इकट्ठा करता है। Right answer. Question number 2. Blower को non-stop चलाना आवश्यक क्यों नहीं था? शक्ति again. क्योंकि उसकी जरूरत 2400 घंटे नहीं पड़ती है। वो कम समय में ही वो काम लगभग 5 मिनट में ही कर लेता, 5 मिनट वो काम लगभग 20 सेकंड में वो कर सकता है, जबकि एक राउंड में वो 5 मिनट लगाता है। यानी कि पूरी 50% बिजली की बचत हो सकती है। हम आपको सिर्फ 100 अंक दे सकते हैं। दिस इज द राइट आंसर। वेल, द राइट आंसर इज OHC एक चक्र पूरा करने में लगभग 5 मिनट का समय लेती है, एज यू राइटली सेड, परंतु ब्लोअर की जरूरत मात्र 20 से 30 सेकंड के लिए होती है, जब OHC से वेस्ट कलेक्शन शूट में फ्लफ खींचा जाता है। टीम रक्षक, यू स्टिल हैव वन मोर क्वेश्चन। ऑल द बेस्ट, ऑल द वेरी बेस्ट, कम ऑन। OHC पर लगे मेटल स्ट्रिप क्या काम करता है? शक्ति अगेन। वो मेटल स्ट्रिप इंफ्रारेड को रोकते हैं और सिग्नल को ट्रांसमिट करते हैं और ब्लोअर को बंद कर देते हैं। सिग्नल को ट्रांसमिट करते हैं, सिग्नल को स्टॉप करते हैं और इंफ्रारेड रेज जो आती है उनको ऑब्स्ट्रक्ट करते हैं और ब्लोअर को बंद कर देते हैं। दिस इज द राइट। ब्लोअर को बंद कर देते हैं, ब्लोअर को चालू कर देते हैं। ओह, प्रीटी स्मार्ट। ब्लोअर को चालू कर देते हैं। Boys are always like this. वैसे let me tell you, metal strip के कारण transmitter और receiver के बीच infrared beam की continuity कट जाती है और इससे blower अपने आप चालू हो जाता है। एक और जरूरी बात बताऊं, 100 points, right answer. बूंद, जल्दी से बताएं कि इस राउंड का स्कोर क्या रहा? शक्ति टीम को मिलते हैं 300 points और रक्षक टीम को मिलते हैं 0 points. Back up. Well, round number 2 was totally towards team Shakti, all in their favor. But team Rakshak, don't lose your heart because we've got round number 3 still to go, and that is a real high scoring and interesting round. But before we start that round, let's take a short break. Searching location. Imagine a world without oil. Save oil, it's precious. हर वर्ष हमारे देश में पेट्रोलियम उत्पादों की बर्बादी के कारण हजारों करोड़ रुपए का नुकसान होता है।
वो धनराशि जिसका उपयोग हो सकता था लाखों बच्चों को भोजन, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने में। उफ, कितनी शर्मनाक बर्बादी है, लेकिन परवाह किसे है। वेलकम बैक। चलिए अब हम शुरू करते हैं हमारे खेल का वो पड़ाव जिसमें सबसे ज्यादा पासा पलटने के चांसेस होते हैं, क्योंकि क्या करें, ये राउंड है ही कुछ ऐसा। और जानते हैं इसका नाम क्या है? देखो मगर ध्यान से। वेल टीम्स, इस राउंड में हम आपको किसी भी सेलिब्रिटी की एक फोटोग्राफ दिखाएंगे, जो कि उनके बचपन की भी हो सकती है, उनकी जवानी की भी हो सकती है। आपको उस फोटोग्राफ को देख के पहचानना है कि वो कौन है। और इस राउंड की सबसे अच्छी बात यह कि आप इसमें बहुत ज्यादा स्कोर कर सकते हैं। अगर आपने सही पहचान लिया तो 200 बम्पर पॉइंट्स, नहीं पहचान पाए तो -100। देयर इज नेगेटिव मार्किंग। जी हाँ, अगर आप नहीं बता पाए तो हम आपको देंगे पहला क्लू, तब आपने हमें पकड़ लिया तो हम आपको देंगे +150, गलत बताया तो -50। तब भी अगर मामला हल नहीं हुआ तो फिर हम आपको देंगे दूसरा और आखिरी क्लू, तब अगर आपने हमें पकड़ लिया तो यू विल गेट +100, अदरवाइज -50। सो हियर वी गो। टीम शक्ति, टीम रक्षक, इट इज +200। अगर आपने पहचान लिया तो हिट द बजर। कम ऑन, यू माइट रिपेंट इफ द अदर टीम प्रेसेस द बजर। टीम शक्ति, टीम रक्षक, शुड बी गो फॉर क्लू नंबर वन। ओके, आई एम रीडिंग इट आउट। ओके, क्लू नंबर वन, हियर यू गो। युवावस्था में इन्होंने टेनिस में अपने प्रदेश और देश को रिप्रेजेंट किया। टीम शक्ति, किरण बेदी। राइट आंसर। अब क्या होगा कि हम किरण बेदी पर बेस्ड आपसे तीन क्वेश्चन पूछेंगे, जिसमें हर सही जवाब के लिए आपको 100 पॉइंट्स मिलेंगे। और सबसे अच्छी बात यह कि इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। मगर हाँ, सवाल खत्म होने से पहले बजर मत दबाएगा। यू नो, आप अपने पड़ोसी की मदद करने वाले। आपके लिए हमारा पहला सवाल। यूनाइटेड नेशन ने वर्ष 1975 को विमेंस ईयर के रूप में मनाया। उस वर्ष रिपब्लिक डे परेड पर किरण बेदी को कौन सा विशेष सम्मान प्रदान किया गया? शक्ति, कीर्ति चक्र। मतलब आप नो नेगेटिव मार्किंग का फायदा उठा रहे हैं। हम जानते हैं कि आप मिलिट्री बैकग्राउंड से हैं, बट दैट वाज टू स्मार्ट टू प्ले। टीम रक्षा, वुड यू लाइक टू ट्राई? नोबेल प्राइज। फैंटास्टिक, आई लव दैट। हाउ क्यूट इट वाज। वेल, शी हैजंट गॉट इट एज येट, अनफॉर्चूनेटली। द राइट आंसर इज, इस वर्ष रिपब्लिक डे परेड में किरण बेदी वो पहली महिला थी जिसने पुरुषों वाले दिल्ली पुलिस के कंटीजन का नेतृत्व किया। फर्स्ट लेडी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। विपासना योग से किरण बेदी का क्या संबंध है? टीम शक्ति, उनके द्वारा चलाया गया एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि सोसाइटी की मदद करता है। सोसाइटी की मदद करता है, या फिर कुछ इस तरह के लोगों को। किस तरह के लोगों को? जैसे कि ड्रग एडिक्ट्स या फिर बच्चों की। I'm so sorry, टीम शक्ति, उन्होंने ड्रग अब्यूज और डोमेस्टिक वायलेंस पे एक किताब जरूर लिखी है, लेकिन Anyways, the answer, रक्षक आप ट्राई करना चाहेंगे? चलिए ठीक है, हम आपको बताते हैं। हमने पूछा था कि विपासना योग से किरण बेदी का क्या संबंध है, एंड द राइट आंसर इज कि किरण बेदी ने तिहाड़ जेल में कैदियों के सुधार के लिए इस प्रक्रिया का प्रारंभ किया है। ये कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, विपासना योग एक प्रक्रिया है, योग मेडिटेशन। सवाल नंबर तीन, लास्ट क्वेश्चन। गिव इट अ शॉट। सन 1994 में तिहाड़ में किए गए सुधार के लिए किरण बेदी को कौन सा प्रसिद्ध सम्मान मिला? शक्ति, पद्मश्री। उन्होंने नोबेल दिया, आपने पद्मश्री दे दिया। आई एम श्योर टीम शक्ति तो कोई भी चक्र नहीं छोड़ेगी। आप क्या ट्राई करना चाहेंगे? टीम रक्षक, आप कौन सा प्राइज देना चाहेंगे? वीर चक्र। ओह, वीर चक्र, क्या बात है। नो माइंड, द राइट आंसर इज, सन 1994 में सरकारी सेवा के लिए उन्हें रेमन मैक्सेसे अवार्ड से सम्मानित किया गया था। यस, यू न्यू द आंसर। ये हमेशा होता है। वेल बूंद, बताएं कि इस राउंड के स्कोर्स क्या हैं। शक्ति टीम को मिलते हैं 150 पॉइंट्स और रक्षक टीम को मिलते हैं 0 पॉइंट्स। बक अप। भाई बच्चों से तो बहुत सवाल जवाब हो गए, चलिए कुछ आपसे पूछा जाए, देखते हैं आप क्या लिखकर भेजते हैं। आपके लिए हमारा आज का सवाल है, दालों को अंकुरित करने से कौन सा पोषक तत्व उत्पन्न हो जाता है? प्रोटीन, खनिज, बी कॉम्प्लेक्स ग्रुप के विटामिन, या फिर विटामिन सी?
आपके जवाब हमें एक सप्ताह के भीतर मिल जाने चाहिए। हमारा पता है PCRA 10 भीकाजी कामा प्लेस नई दिल्ली 110066। आप हमें 9811771717 पर SMS भी कर सकते हैं। हमारे एपिसोड नंबर 136 के सवाल का सही जवाब है आयोडीन की कमी। और सही जवाब भेजकर मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट की ओर से इनाम पाने वाले भाग्यशाली विजेता हैं। आज का इनामी पत्र हमें भेजा है सुखनंदन राठौर ने ग्राम डोंगिया पोरथा जिला जांजगीर चांपा छत्तीसगढ़ से। तो साहब अब वो पड़ाव जो कि सबसे इंटरेस्टिंग माना गया है, आज के इस पूरे दिन का लेखा जोखा, बूंद बताएं कि आज का हमारा फाइनल स्कोर क्या है। शक्ति टीम को मिलते हैं 1030 पॉइंट्स और रक्षक टीम को मिलते हैं 570 पॉइंट्स। और वही मुबारक हो टीम शक्ति, आप बनी हैं हमारी आज की विनर, कंग्रेचुलेशन। टीम रक्षक आपको भी बहुत बहुत बधाई, यू प्लेड वेरी वेल बट यू आर नाउ वन। हमारे सभी पार्टिसिपेंट्स को मिलते हैं फूड एंड न्यूट्रिशन बोर्ड मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट की ओर से ये आकर्षक इनाम। हमारे इन टैलेंटेड पार्टिसिपेंट्स की हौसला अफजाई के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं श्री RN वासवानी, डेप्यूटी सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। बहुत हंस लिए, बहुत बोल लिए, बहुत सारी बातें हुई, बहुत सारी जानकारी शेयर करी, मगर अब हमें जाना होगा। अगले हफ्ते कुछ और इन्फॉर्मेशन के साथ आपसे फिर मिलेंगे, तब तक दीजिए अनुमति। नमस्कार।